में नीतीश सरकार की शराबबंदी के दावों के बीच 10 लोगों की मौत से सवाल खड़े हो रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, लेकिन प्रशासन अभी जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रहा। मामला बिहार के गोपालगंज जिले का है। गोपालगंज के हरकुआ में 10 लोगों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि इन सभी लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। एक शख्स की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने गोपालगंज के कुचाई कोर्ट में 292 पेटी शराब जब्त की है। सवाल बहुत अहम है, क्योंकि पूर्ण शराब बंदी है बिहार में, फिर कहां से शराब आ रही है। मोहल्ला से चार आदमी मर गया आज। कहां शराब पिया है लोग? ये खजुरबानी से शराब पिया है। इस मोहल्ले के चार लोग मरे हैं? हाँ, चार। क्या नाम है उन लोग का? एक का नाम है शशिकांत, एक परमा महतो, एक मंटू गिरी और एक दिनेश चौहान। ऑलरेडी आया था, बिल्कुल डायलेटेड है, फिक्स है, कार्डियक अरेस्ट था उसको, रिसेसेट किए उसको, उसके बाद डिक्लेयर कर दिया उसको। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले से आया था? हाँ, मेरे ड्यूटी से पहले नहीं आया था, जस्ट मेरी ड्यूटी सुनी तभी आया, उसके पहले के मेरे को कोई जानकारी नहीं। वाकई जिस तरीके से ये 10 लोग जिनकी मौत हुई है, ये कहां से ये शराब आई है, क्योंकि पूर्ण प्रतिबंध है शराब पर, जगह जगह सख्ती की जा रही है, ये बातें कही जा रही हैं। और ऐसे में क्या ये कहें कि दरअसल जो सख्ती है सिर्फ कागजों में नजर आ रही है, जो हकीकत है वो अलग है। मधेश कुमार हमारे साथ है। मधेश, पता लग पाया है कि कहां से ये शराब आई थी, कहां, क्या ये समझा जाए अभी भी शराब की सप्लाई हो रही है खुलेआम, कौन लोग हैं इसके पीछे, कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? जी, अभी तक तो कुछ नहीं, डीएम का ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, गोपालगंज डीएम का पक्ष सामने आया है। उनका कहना है कि 10 लोगों की मौत हुई है, गंभीर विषय है, हमने मेडिकल बोर्ड का गठन किया है और पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साफ जाहिर होता है कि प्रशासन बोर्ड गठन करके मामले से पल्ला झाड़ने में जुटा है, क्योंकि 10 लोगों की मौत हुई है। 10 सूत्रों के मुताबिक 10ों की उम्र लगभग एक ही है, 200 लोग पहले से शराब सेवन करते थे। प्रथम दृष्टया मामला यही है, अब देखते हैं प्रशासन की जांच रिपोर्ट में क्या क्या सामने आता है। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, गोपालगंज के डीएम ने एक टीम बना दी है जो अब पोस्टमार्टम के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। तो गोपालगंज में जहरीली जाम पीने से 10 लोगों की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। N247 सवाल उठा रहा है, बिहार में शराबबंदी लागू है, ऐसे में गोपालगंज में शराब कहां से आई है, कहां से पहुंची है। शराबबंदी लागू करने के लिए नीतीश सरकार बेहद सख्त कदम उठा रही है, लेकिन अवैध शराब तस्करों के खिलाफ सख्ती क्यों नहीं हो रही? अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए क्यों नहीं किए जा रहे पुख्ता इंतजाम? अवैध शराब की तस्करी नहीं रुकी तो शराबबंदी का क्या फायदा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर बिहार में अवैध शराब हर जगह मिल रही है, तो क्या बिहार में सिर्फ कागजों पर लागू है शराबबंदी?